महाराष्ट्र में सीएम को लेकर पेच अब भी फंसा है। दरअसल आज महायुति की बड़ी बैठक होने वाली थी, लेकिन वो टल गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके फौरन बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महायुति की बैठक क्यों टली और फिर ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे बैठक टलते ही अपने गांव के लिए रवाना हो गए। क्या एकनाथ शिंदे अब भी नाराज हैं? दरअसल शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम पद से दावा तो छोड़ दिया, लेकिन उनके मन को शायद ये बात पच नहीं रही। इसी वजह से शायद शिंदे के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही है। जहां देवेंद्र फडणवीस काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे काफी बेचैन। बता दें कि एकनाथ शिंदे का गांव सतारा जिले में है, हालांकि कल उनके वापस लौटने की संभावना है। सीएम को लेकर महाराष्ट्र में मची उथल पुथल के बीच पहले भी महायुति के तीनों बड़े नेताओं शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की दिल्ली में अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे की बैठक चली थी। बैठक के बाद तीनों नेता मुंबई वापस लौट आए थे और आज विभागों पर चर्चा के लिए मुंबई में महायुति के तीनों नेताओं के बीच बड़ी बैठक होनी थी। कहा जा रहा है कि अचानक एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने गांव के लिए रवाना हो गए, इसलिए आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। शनिवार को उनके सतारा से लौटने के बाद ये बैठक फिर से होगी और बचे हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि कल देर शाम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अलग अलग बात भी की थी। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये मीटिंग अच्छी और सकारात्मक रही। ये पहली बैठक थी, इसमें शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। शिंदे के मुताबिक महायुति के नेता मुंबई में दूसरी बैठक करेंगे, जिसमें सीएम के नाम पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले शिंदे ने दोहराया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बाधा नहीं है और लाडला भाई एक ऐसा टाइटल है जो उनके लिए किसी भी चीज से अधिक मायने रखता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें महायुति को 233 सीटें मिली। इतना बम्पर जनादेश मिलने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अब तक मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद को अंतिम रूप नहीं दिया। 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 और अजीत पवार को 41 सीटें मिली हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।